मीना जी आपको जाने वाला प्रोजेक्ट, थैंक यू मीना जी आपको जाने वाला प्रोजेक्ट मैं नहीं बताऊंगी। गिफ्ट देने वाले आप? आई थिंक एवरीवन इज ड्रेसिंग वेल और मैं कोई टिप देने के लिए नहीं, मैंने मेरे तरफ से मुझे जो सही लगा आई स्टाइल माई सेल्फ दैट वे। आई थिंक अब सब काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टाइल करते हैं अपने आप को बिग बॉस में, विच इज़ ग्रेट। और अच्छा लगता है लोगों को ड्रेस्ड अप देख के, और यू नो दे आर ऑलवेज ड्रेस्ड अप प्रेजेंटेबल, तो वो तो बहुत ज़रूरी होता है। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। मैम आपकी जो कंटेस्टेंट है कोई फेवरेट है आपका? नहीं मेरा कोई फेवरेट नहीं है। कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आपको बार बार बिग बॉस का हिस्सा बनने के लिए बुलाया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एज एन इंडिविजुअल एज एन पर्सन? नहीं ठीक है मैम, ठीक है या रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं, बट अब आपको एज अ सीनियर देखा जाता है तो डेफिनेटली आप जाते हैं तो कुछ चीज़ों में अगर कोई कंटेस्टेंट गलत जा रहा है, अगर दिशा गलत है तो उनको शायद सही किया जा सकता है। हमारे सीजन में भी ऐसा हुआ था, तो आई थिंक दैट्स हाउ द मेकर्स लुक एट अस, कि हम जाएं और थोड़ा सा अगर कहीं वो इधर उधर जा रहे हैं भटक रहे हैं तो उनको सही रास्ते पे लाएं। सेंटर में देखा ही नहीं आपने, आपके राइट में देखिए। ओह गॉड बस 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 बराबर मैं यहाँ पर हाथ हटाइए। चलो हेलो हाय मैम, आपके नहीं नहीं बस मैम आपके सामने ही देखिए मैं यहाँ पर हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन आप सबको। नहीं ऐसा मत बोलिए। अरे रक्षाबंधन त्योहार है बाबा, भाई बहन की बात ठीक है पर त्योहार तो एक दूसरे को विश कर सकते हैं। ये फिर जिला है झाला, सॉरी सॉरी झूम करे ना जी, ये वाला कैमरा आपका है ना जी, मैं यहाँ पर हूँ यहाँ पर देखिए। सेंटर सेंटर मैम आपने देखा ही नहीं मेरे पास, सेंटर में देखिए जल्दी 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 है ना, लुक या होल्ड राइट राइट मैम राइट 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 वन लुक या सेंटर वेट होल्ड हिना जी, यहाँ पर ऐसे टर्न हो जाइए हमारे पास इतने फोटो यहाँ पे वीडियो वहाँ पे हिना सेंटर वन लास्ट मैम थैंक यू हिना मैम वेट 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 है एक मिनट रुकिए हिना एल्बम हिना एट सेंटर नहीं रहा मैम थोड़ा ऐसा टर्न हो गया है एक बार बस ओके मीना जी आप भी बिग बॉस के सेट पे जा रहे हो और आखिर जी भी जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे, क्या कमाल देखने मिलेगा हमको सेट पे? देखिए मैं बताऊंगी थोड़ी आपको, वो होस्ट करण सर भी कर रहे हैं। हाँ हाँ आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट करण एंड आई थिंक क्योंकि बिग बॉस OTT है तो करण से बेटर, जब भी OTT की बात होती है तो करण जौहर से बेटर कोई कर ही नहीं सकते एंड आई थिंक ही इज डूइंग एन एक्सेप्शनल जॉब। आप देख रहे हो बिग बॉस अभी OTT, आपका कोई फेवरेट कंटेस्टेंट अंदर? नहीं ऐसे कोई मेरे फेवरेट्स नहीं है बट आई डू वॉच द एपिसोड दे कट, आई वॉच दैट। थैंक यू नहीं बस फोटो 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 थैंक यू मैम फोटो फोटो फोटो